कोरोना संकट से निपटने के लिए देश अब लॉकडाउन 4.0 के लिए तैयार है और अब देश में नई रूपरेखा के साथ 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा, जिसके लिए सभी राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश का ब्यौरा बनाने में जुटी हुई है कि कैसे लॉकडाउन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए और राज्य में कामकाज भी शुरू हो जाए, जिससे आर्थिक नुकसान को भरा जा सके और रोका भी जा सके। अब लॉकडाउन 4.0 के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। तो आइए आपको बताते हैं, यूपी में योगी सरकार लॉकडाउन 4.0 के लिए किन नियमों को लागू कर सकती है। अभी यूपी में रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट मिली हुई है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है, यानी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी दुकानें नियमों के साथ खोली जा सकती हैं। सरकार की तरफ से जो तैयारी है उसके मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है। यूपी में रुके हुए कंस्ट्रक्शन के काम को भी करने की इजाजत दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है जिससे मजदूरों के पलायन को रोका जा सके। लॉकडाउन 4.0 में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है, साथ ही रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां लॉकडाउन 4.0 में भी पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन 4.0 में सोशल गैदरिंग पर मनाही होगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी बंद रहेंगे। शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थल भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज पर भी लॉकडाउन 4.0 में पाबंदी रहेगी। तो इस तरह से प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 की तैयारी चल रही है और इन्हीं सब ब्यूरो के साथ दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर मुहर लगाएगी। केंद्र सरकार चाहे तो नियमों में बदलाव भी कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार की सहमति के साथ यूपी में लॉकडाउन 4.0 के नियम लागू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।